नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, आंसर राइटिंग कैसे करें और आंसर राइटिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें होती हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है नोट्स। तो नोट्स आपके पास है या नहीं है, या किसका ले, या फिर आप नोट्स अगर नहीं लेना चाहते तो कैसे बनाएं, किसकी बुकलेट से बनाएं। क्योंकि अगर आप एमबीपीएससी मेंस देने जा रहे हैं, 2-3 महीने का समय है लगभग मान के चलिए, तो आपके पास एक प्रॉपर अच्छा नोट्स होना चाहिए, जिसमें से ही आपको आंसर राइटिंग भी करनी है, उसमें से ही आपको मेन एग्ज़ाम में आंसर लिख के आना है। तो उसमें जो प्रॉपर सेंटेंस और इम्पॉर्टेंट जानकारी है वो आप लोग के नोट्स में है या नहीं, और है तो उसका एक व्यवस्थित तरीका क्या होता है, कैसे लिखा जाता है एक आंसर। कभी कभी क्या होता है, बच्चों को यही नहीं पता होता है कि एक क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है, उसे कैसे क्या लिखना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन में अगर टिप्पणी कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, विस्तृत चर्चा कीजिए, विवरण दीजिए, विश्लेषण कीजिए, ऐसे शब्द लिखे होते हैं, तो व्यक्ति एक ही तरीके से लिखने की कोशिश करता है, लेकिन सभी का मतलब अलग अलग होता है। तो किसी भी क्वेश्चन में आप जितने ज़्यादा उसका वर्गीकरण या डाइवर्सिफाई करके लिखेंगे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई आंसर राइटिंग अपन करने वाले हैं, तो ये चीज़ हम लोग पहले से ही चालू कर चुके हैं, कम से कम 3 से 4 दिन है आज। और इसके संबंध में जो क्वेश्चन दिए गए वो बता देता हूँ। और इसमें अपन ने जो सबसे पहले वो किया है वो क्या है कि सबसे पहले अपन वो टॉपिक उठा रहे हैं जो टॉपिक एकदम नए जुड़े हैं, ठीक है। 2019 के बाद जो सिलेबस चेंज हुआ था 2020 में, उसमें जो टॉपिक नए जुड़े हैं, जैसे मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें हैं, तो रियासतें आज की डेट में या कल की डेट में पूरा ख़त्म हो जाएगा, उसके संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं वो पूरे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बता देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए, एक एग्जांपल देख लीजिए आप, ठीक है। तो जैसे होलकर रियासत, तो ये हमारा ग्रुप है कीज टू सक्सेस, आप जाकर के टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक डाल देंगे, वहाँ जाकर के आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और इसकी आंसर राइटिंग के लिए मिनिमम जो फीस रखी गई है वो 100 रुपीज़ रखी गई है। वो क्यों रखी गई है 100 रुपीज़, आप फ्री में क्यों नहीं बता देते? वो फ्री में इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि बहुत लोग फ्री के चक्कर में क्या होता है, आंसर राइटिंग करते ही नहीं है, या फिर थोड़ा सा अपने आप को एक सेफ मोड में डाल लेते हैं। तो वो सेफ मोड से जगाने के लिए, एक्टिव मोड में लाने के लिए 100 रुपीज़ लिया जा रहा है, ताकि आप लोग प्रॉपर अगर तरीके से लिखेंगे, आपको प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट बताया जाएगा, जो भी गलतियां हैं, जो सुधार किए जाने की आवश्यकता है वो सब बताया जाएगा आपको। मैं अभी ग्रुप में दिखा दूंगा कि कैसे कैसे लोगों को बताया जा रहा है कि नोट्स कैसे बनाना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो जैसे होलकर रियासत दिख रहा है आपको, ठीक है, इसमें अपन ने 3 मार्कर जो दिख रहे हैं आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कम से 20 से ज़्यादा 3 मार्कर है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर हर एक यूनिट से तो 30 मार्क्स का आने वाला है, तो फिर आप इतने सारे कैसे दे रहे हैं? ये देखिए, जो पिछले बार होलकर मतलब जितनी भी रियासतें पूछी गई है, मतलब रियासत तो एक यूनिट है लेकिन लगभग उससे 40 नंबर का पूछा गया है, तो उन्होंने तो 30 नंबर का बोला था, फिर 40 का कैसे पूछ लिया? तो एग्जैक्ट कोई उसके खिलाफ आप केस तो कर नहीं सकते ना, लेकिन आपको क्या करना है इसमें कि हर एक यूनिट से कितने पॉसिबल 3 मार्कर 5 मार्कर 11 मार्कर बन सकते हैं, वो आपको खुद को निकालना चाहिए। यदि आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, खुद से कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, किसी को कोई फोर्स नहीं किया जा रहा है। लेकिन एक प्रॉपर किसी से जुड़ने से फ़ायदा ये होता है कि हम एक प्रॉपर तरीके से रेगुलरिटी हो जाती है हमारी, कि हमें रेगुलर इतने क्वेश्चन तो लिखना ही है। फिर उसके बाद आप अपने जो भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, जो भी आपका तरीका है रिविज़न का या फिर नोट्स बनाने का, वो कर सकते हैं। आप एक बार आकर के जुड़िए, कुछ दिन रहिए, ठीक है, देखिए कैसे क्या हो रहा है, प्रोसेस अच्छी लग रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपने तरीके से आप काम कर लीजिए, ठीक है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि अगर आप तैयारी में उतर रहे हैं, मेंस अगर देने जा रहे हैं, या मेंस नहीं भी दे रहे हैं, आपका अगर किसी वजह से प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है, तो ये बात ध्यान रखिए कि आने वाले समय में आपको ये काम करना ही पड़ेगा। तो जब आपको डेट आ जाएगी, 2-3 महीने बचेंगे, तब करने से अच्छा है कि अगर आपके पास अभी 6-8 महीने हैं तो पहले से निपटा के रखिए इसको। जैसे मान लीजिए 2022 का अगर आपको प्रीलिम्स देना है, उसका मेंस देने को मौका मिले, भगवान करे बिल्कुल मिले, कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप में। अपने आप में अगर आप विश्वास नहीं जगा सकते हैं तो कोई और अगर आकर आपके आपके अंदर विश्वास नहीं जगाएगा। आपको खुद को अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल लाना पड़ेगा। वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है? वो सब नॉलेज से आता है, पढ़ाई से आता है, कड़ी मेहनत से आता है, ठीक है। और स्मार्ट मेथड जो होती है वो सिर्फ लास्ट के दिनों में होती है, अन्यथा जो आपको 2-4-5-6-8 महीने करना होता है वो हार्ड वर्क होता है। तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में यही डिफरेंस है। 8 महीने आपके इस पूरे हार्ड वर्क होगा, कड़ी मेहनत होगी, घंटे गिने नहीं जाएंगे। स्मार्ट वर्क वो होता है जहाँ 1 सप्ताह के अंदर आप उसी चीज़ को 1 सप्ताह में ख़त्म करते हैं, उसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं,
ठीक। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर लगभग 20 थ्री मार्कर दिए गए और इतने जो थ्री मार्कर है इसके अंतर्गत पूरा थ्री मार्कर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाहर थ्री मार्कर नहीं जाएगा। अभी तो मेंस हुआ नहीं है, अब जो मेंस होने वाला है उसमें आप देखिएगा रियासत अभी जैसे अपन करवा रहे हैं तो इसमें थ्री मार्कर फाइव मार्कर इलेवन मार्कर ढूंढ लीजिएगा, बिल्कुल मिल जाएगा आपको। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि इसमें अपन ने सब कुछ कवर कर लिया। अब थ्री मार्कर में अपन ने ऐसी चीज़ें छोड़ दी है जो कि फाइव मार्कर और इलेवन मार्कर में पूछी जा सकती है, ठीक है। जैसे होलकर रियासत है, और होलकर रियासत में आपको पता अहिल्याबाई हो गई, तुकोजी राव हो गए होलकर, ठीक है, दिति और मल्लार राव हो गए, इनके ऊपर तो फाइव मार्कर या इलेवन मार्कर बनेगा, ठीक। और एक विस्तृत विवरण दीजिए होलकर रियासत का, वो तो इलेवन मार्कर फेवरेट हो जाएगा, वो बनेगा। तो ये अपना थ्री मार्कर हो गया, आपको इसके ऊपर आंसर राइटिंग करना है। आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, एक तरीका बताया गया है ग्रुप में, वो भी आपको दिखा दूंगा मैं कि आपको लिखना कैसे है। दो दो लाइन में लिखना है, ज़्यादा में नहीं लिखना है। नोट्स बना रहे हैं तो आप उसमें तीन लाइन में लिखिए, तीन सटीक पॉइंट लिखिए, वो जानकारी लिखिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक। अब ये फाइव मार्कर देख लीजिए, 10 फाइव मार्कर दिए गए थे हमने, अब इसमें से काफ़ी लोगों ने लिखे, और यहाँ पर आपको फाइव मार्कर देख करके समझ में आ रहा होगा कि सर ने कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। तो एग्जैक्टली हम यही चाहते हैं कि किसी भी यूनिट से कुछ ऐसा छूटे ही नहीं इंपॉर्टेंट जो कि आपको पूछ लिया जाए और आपसे बने नहीं। बात जो हो रही है, हमारा तमगा जो है, हम जो हमेशा बोलते रहते हैं, वो 800 का बोलते रहते हैं। तो ये 800 जो है ना, आप जहाँ भी बैठते हैं पढ़ने उसको चिपका करके वहाँ लिख दीजिए 800। तो ये आपको हमेशा मोटिवेट करते रहेगा कि 800 अगर मार्क्स लेके आते हैं तो आपको मनचाही जॉब मिलेगी, ठीक है। 800 लिख लीजिए कहीं पर जाकर के, वॉलपेपर बना लीजिए मोबाइल में, या फिर आप जाकर के कहीं भी नोटबुक रहती है वहाँ जाकर के 800 लिखिए। तो उसके हिसाब से आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, 800 एक मजाक नहीं है, ठीक है। तो आपको ये देखिए, मल्लार राव होलकर का मूल्यांकन करना है, फिर उसका पानीपत का तृतीय युद्ध का होलकर वंश पे क्या प्रभाव पड़ा है अच्छे से बताना है। 1761 का जो युद्ध हुआ उसमें होलकर ही नहीं, होलकर की तरफ से जो सेनापति जो शामिल हुए थे राजा, उसके बाद आपको पता मराठा और अब्दुल अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा आपको बताना पड़ेगा। पर्सपेक्टिव क्या हो गया इसका, होलकर वंश मतलब मध्य प्रदेश हो गया। अब यहाँ पर आपको मराठों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पर आपको होलकर वंश के ऊपर फोकस करना होगा क्योंकि होलकर वंश से संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना है। फिर उसका ये है कि अहिल्याबाई होलकर के शासन की प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या थी, फाइव मार्कर में पूछा है। तो आपको पता है कि भाई 10 लाइन मिलेगी आपको, इसमें आपको लेना है कि दो लाइन में आपकी भूमिका होगी, अगली दो लाइन जो होगी लास्ट की उसमें होगी निष्कर्ष। अब इसमें जो बच जाता है वो हो जाता है 6 लाइन, ये 6 लाइन की जो होगी वो बॉडी होगी, बॉडी में आपको कैसे लिखना है, जो पॉइंट लिख रहे हैं 6 पॉइंट कम से कम लिखने हैं, वो सटीक होने चाहिए, इंपॉर्टेंट होने चाहिए, वो ऐसे पॉइंट होना चाहिए कि जो वो डिमांड चाह रहा है वही चीज़ उसमें हो, अन्यथा जानकारी ना लिखे, ठीक। इसके बाद क्या बोल रहा है ये, इसके बाद ये बोल रहे हैं कि तुकोजीराव होलकर पर टिप्पणी करना ठीक है, मंसूर की संधि क्या 1818 में जो हुई है उसके संधि किसके किसके मध्य हुई, क्या कारण था, परिणाम क्या हुआ, प्रभाव क्या हुआ, निष्कर्ष भूमिका सब बनाते हुए एक अच्छा सा आंसर बन जाता है। ये सब चीज़ें उसमें बताई जाएगी ग्रुप में, अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइए। तुकोजीराव होलकर द्वितीय के प्रशासनिक कार्य लिखना है, होलकर और मुगलों के मध्य हुए जो युद्ध है उनके बारे में बताना है और उसका परिणाम क्या रहा है वो भी बताना है आपको। नेक्स्ट है कि होलकर वंश का स्थापत्य कला में क्या योगदान है, मतलब जो भी स्थापत्य में इन्होंने अपना योगदान दिया है, महेश्वर हो गया, मणिकर्णिका घाट हो गया, या फिर आपको पता है कि जो अपना सोमनाथ मंदिर है, महाकाल मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, इनका पुनरुद्धार करवाया किसने, अहिल्याबाई होलकर ने। तो इनको अगर आपने मेंशन नहीं किया ये कार्य को तो फिर वो उसका वेटेज रहेगा ही नहीं स्थापत्य कला का, उसमें आपको ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपको डालना ही होगा। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको कहाँ से पता चलेंगे, जब आप आंसर लिखेंगे, आप जब भूल जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि ये पॉइंट तो लिखना ही था तो आपने लिखा ही नहीं, जब आपको अभी ही गलती बता दी जाएगी तो आप जो फाइनल जो आंसर लिख के आएंगे उसमें आपको ये लिख के आएंगे तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे, यही होता है आंसर राइटिंग का तरीका, ठीक। इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि 1857 की ईस्वी की क्रांति में होलकर वंश की भूमिका बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग अच्छे से देख करके पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है कि जब आप ये सब कर रहे होते तो आप जो पढ़ाई कर रहे होते वो आप इस आपके दिमाग में माइंडसेट हो जाता है कि यार इसमें ये पूछ सकता है, इसमें ये पूछ सकता है, मतलब इससे संबंधित मुझे इतने प्रश्न इतने क्वेश्चन निकाल लेने चाहिए और इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं जो मैं लिख सकता हूँ, ठीक। तो यही हमारे कोशिश है। इसके बाद नेक्स्ट है कि मल्लार और होलकर की राजनीतिक उपलब्धियां लिखना है, तो ये आप लोग बता देंगे, ठीक है। तो ये अपना फाइव मार्कर था, इलेवन मार्कर भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये फाइव इलेवन मार्कर है, इसके बाद क्वेश्चन नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इलेवन मार्कर होलकर वंश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5 इलेवन मार्कर है, 10 आपको फाइव मार्कर मिल गया और 20 3 मार्कर मिल गया होलकर वंश। तो ऐसे ही हमने ऑलरेडी 4 वंश निपटा चुके हैं, 4 रियासतें हो चुकी है, अब भोपाल रियासत बची तो वो उसके आज क्वेश्चन देख करके इसको खत्म करेंगे। जुड़ने के लिए 100 रुपीज़ पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद आपको जोड़ दिया जाएगा ग्रुप में, कोई समस्या नहीं है। 100 रुपीज़ इसलिए रखा गया है क्योंकि मिनिमम अमाउंट है और इससे हमारा कोई फायदा नहीं हो जाएगा, लेकिन इससे आपका फायदा जरूर हो जाएगा,
तो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं खुद ही। 11 मार्कर में ये हो जाएगा, अहिल्याबाई होलकर का विस्तृत विवरण देना है, तो अहिल्याबाई होलकर के बारे में पूरी बातें बतानी पड़ेगी, उपलब्धि से लेकर के उनकी जो प्रशासनिक क्षमता थी, आर्थिक धार्मिक स्थापत्य कला में योगदान से लेकर के उनके जो संघर्ष रहे हैं मुगलों के साथ या फिर किसी भी अन्य वंश के साथ जिसमें बाज बहादुर को हराना हो सकता है या फिर जिसको भी इन्होंने हराया है उनके बारे में पूरा बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है कि मल्लारा होलकर वंश के संस्थापक थे, समझाना है, तो इसको कैसे समझाएंगे, आप जब लिखेंगे आपको नहीं बनेंगे तब बताया जाएगा। तो कोरोजीराव होलकर द्वितीय का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि होलकर रियासत पर विस्तृत वर्णन दीजिए, ये भी दे देंगे और उसको बताया जाएगा जब ग्रुप में आप लोग जुड़ जाएंगे तब। 1857 की ईस्वी की क्रांति के पूर्व और पश्चात होलकर वंश के अंग्रेजी के साथ अंग्रेजों के साथ क्या संबंध थे, पूर्व और पश्चात बोला है तो इसको दो फॉर्म बांटना पड़ेगा आपको, पूर्व क्या संबंध थे, बाद में क्या संबंध थे, निष्कर्ष बताएंगे, स्रोत बताएंगे कि जानकारी कहाँ से लिख रहे हैं आप, स्रोत क्या है, कोई बुक है क्या, कोई बुक है या फिर कोई अभिलेख है या कोई साहित्य है जहाँ पे इसका उल्लेख किया गया, वो बताना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आप इसका निष्कर्ष दे देंगे, अच्छा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स में दे देंगे, ऐसे नहीं कि किसी की पूरी तरह आलोचना कर दी, किसी को पूरा नेगेटिव दिखा दिया, किसी को एकदम शत्रु दिखा दिया, दुश्मन दिखा दिया भारत देश का, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। संतुलन होना चाहिए, एक आंसर में व्यवस्थित होना चाहिए, क्रमानुसार होना चाहिए, ये तीन चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो निश्चित तौर पर आपका काम हो जाएगा। तो ये हो गया अपना, ठीक है, होलकर रियासत। तो अब इसके बाद आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ कि हमारे ग्रुप में एक्टिविटी हो क्या रही है, ठीक है। तो जैसा कि ये ग्रुप दिख रहा है, कीज टू सक्सेस, मेंस, आंसर राइटिंग एंड नोट्स, मतलब नोट्स कैसे बनाना है आपको, फिर नोट्स अच्छे बनाएंगे तो उसके बाद आंसर राइटिंग अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको दिख रहा है गोंड रियासत की ऑलरेडी देख चुका हूँ क्वेश्चन, है ना। तो इसके बाद इन्होंने जो आंसर लिखे हैं, जिन्होंने भी लिखे हैं, उसके बारे में बता देता हूँ मैं, ठीक है, कि कैसे क्या लिखा है और क्या रिव्यू दिया गया है। ये देखिए, जैसे बघेलखंड रियासत के इन्होंने प्रश्न लिखे हैं, उत्तर लिखे, ठीक है, तो ये फोटो भेज दी गई इनके द्वारा, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन दे दिए गए थे कुछ के, और फिर इसका दिन का बताया गया है कि पर्टिकुलर कैसे लिखा जाता है क्वेश्चन। तो ये 5 मार्कर में आपको क्या करना है, भूमिका बनाना है, जानकारी का स्रोत बताना है, कार्य उपलब्धि बताना है, विशेषता बताना है, निष्कर्ष बताना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना होता है, ये सब आपको बता दी गई जानकारी, ठीक है। ये सब बात जानकारी आपको जानकर जुड़ना पड़ेगा, जुड़ेंगे तो फिर उसके बाद आपको बता दी जाएगा, ठीक है। मॉडल उत्तर देने की कोशिश बिल्कुल की जाती है जितना हो सकता है, ठीक है। और ये 3 मार्कर कैसे लिखना है, अल्पविराम लगाकर लिखना है, 5 मार्कर कैसे लिखना है, सब जानकारी बता दी गई। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िए, ठीक है, और नहीं जुड़ना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि कम से कम रुपये में अगर कोई व्यक्ति अपना सपना साकार करना चाहता है, ठीक है, और वो सीखना चाहता है कि कैसे क्या किया जाए, और आपको पता है कि कई लोग ऐसी तैयारी में आ जाते हैं लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस होता नहीं है ना, तो अपन चाह रहे हैं कि उनको गाइडेंस भी मिलना चाहिए, और 100 रुपये तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और अगर उससे कुछ उनको फ़ायदा होता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी और उनके लिए भी बहुत अच्छी बात होगी, कि एक सटीक जो जानकारी पता होनी चाहिए वो आपको मिल रही है, क्योंकि सभी लोग अलग अलग बातें करते हैं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि क्या सुने क्या नहीं सुने, तो आपको एक अच्छा तरीका बताया जा रहा है, और इस तरह ये तरीका आपको बहुत कम जगह मिलेगा। कुछ लोग बताते होंगे, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन अब तो शायद नहीं बता रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि सभी लोग अभी टेस्ट सीरीज़ देना चालू कर दिए 2500-3000 की, तो वो टेस्ट सीरीज़ में फिर आपका ये होता है कि आपको आंसर लिखते आता नहीं, 600-550 ऐसे नंबर मिलते हैं, तो फिर आप पूरे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये आपके वो डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।